गुरु प्यारी साध संगत जी रादास स्वामी, आज की बाणी पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की बाणी है। और आपका यह शब्द गुरु भक्ति और प्यार से भरा हुआ है। सत्संग के वचन, गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान। वैसे तो आपने सारी वाणी में ही गुरु भक्ति और नाम भक्ति पर बहुत जोर दिया है, लेकिन इस शब्द में आप खासकर गुरु ही गुरु पुकार रहे हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि हर एक को उस परमात्मा की खोज है। हम दुनिया के सब जीव अच्छी तरह महसूस करते हैं जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर उस परमात्मा के साथ नहीं मिलती। हमारा जन्म मरण के दुखों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकेगा। इसलिए सब महात्मा हमारे अंदर केवल उस परमात्मा से मिलने का शौक और प्यार पैदा करते हैं, लेकिन जिस परमात्मा से हम सब मिलना चाहते हैं, जिस परमात्मा की हमें खोज है, जिस परमात्मा की हमें पूजा करनी है, गुरु साहब समझाते हैं वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह या वजूद के अंदर है। अगर कोई प्रयोगशाला है जिसमें जाकर ही हम मालिक की खोज कर सकते हैं, तो वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह या हमारा वजूद है। बाहर से आज तक ना किसी को कुछ प्राप्त हुआ है, ना कभी हो सकता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, काया अंदर आपै बसै, अलख न लखिया जाई, मनमुख मुग्ध बूझे नाहीं, बाहर भालण जाई। आप कहते हैं कि हम दुनिया के जीव कितने मनमुख हैं, मुग्ध हैं, गवार हैं कि वह परमात्मा हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। हम अंदर जाकर परमात्मा की खोज नहीं करते, बल्कि बाहर ही बाहर उसको ढूंढने में लगे हुए हैं। कबीर साहब समझाते हैं, ज्यों तिल में तेल है, चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। के भाई, जिस तरह तिलों में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, उसी तरह वह परमात्मा जिसकी हर एक को खोज है, जिससे हर एक जाकर मिलना चाहता है, वह परमात्मा भी कहीं बाहर नहीं है। वह परमात्मा हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, हमारी देह या वजूद के अंदर बैठा हुआ है। तुलसी साहब कहते हैं, क्यों परमात्मा की खोज में जंगलों पहाड़ों में मारे मारे फिरते हो? वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह या वजूद के अंदर बैठा हुआ है। क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, रास्ता शाह रग में है दिल भर पे जाने के लिए। इसी प्रकार जो मालिक से मिलने का रास्ता है, वह भी हर एक के शरीर के अंदर है, हर एक की देह या वजूद के अंदर है। हजरत ईसा ने बाइबल में समझाया है, खुदा की बादशाहत तेरे अंदर है। भाई, जो मालिक से मिलने की जगह है, वह कहीं बाहर नहीं, वह तेरे शरीर के अंदर है। हम सोचते हैं कि वह परमात्मा किसी बहुत बड़े गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद में मिलेगा, जहाँ शायद उसकी खोज में जंगलों पहाड़ों में भटकना पड़ेगा, या शायद परमात्मा किसी आसमान के पीछे बैठा हुआ है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सदा हजूर दूर नहीं देखो, रचना जिन रचाई। के भाई, जिस परमात्मा ने सारी दुनिया की रचना की है, वह कहीं बाहर नहीं, वह 24 घंटे हमारे साथ है, हमारे शरीर के अंदर है। महात्मा समझाते हैं कि अगर कोई सच्चे से सच्चा गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजा है या सिनेगोग है, जिसमें जाकर ही हम मालिक की पूजा कर सकते हैं, वह केवल अपना शरीर है, अपनी देह और हमारा वजूद है। ईसा मसीह ने हमारे शरीर को जीवित परमात्मा का मंदिर कहकर बयान किया है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं,
हर मंदिर ए शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होए। आप कहते हैं कि भाई ये शरीर ही मालिक से मिलने की असली जगह है। जब भी तुझे मालिक से मिलने का ज्ञान या अनुभव होगा तुझे अपने शरीर के अंदर से होगा। ऋषियों मुनियों ने हमारे शरीर को नर नारायणी देह कहकर समझाने की कोशिश की है कि यह वह देह है जो उस नारायण ने खुद पैदा की है, जिसके अंदर वह नारायण खुद बैठा हुआ है और जिसके अंदर ही आत्मा नारायण बनने का मान प्राप्त कर सकती है। मन में ख्याल आता है कि अगर परमात्मा हमारे हर एक के अंदर है हमें नज़र क्यों नहीं आता। हम आंखें बंद करते हैं हमें तो अपने अंदर अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। गुरु अर्जन देव जी किसी और शब्द में बड़ी अच्छी तरह खोल कर समझाते हैं, एका संगत एकत ग्रह बसते मिल बात न करते भाई। आप फरमाते हैं कि दोनों इकट्ठे रहते हैं, दोनों का एक ही घर में निवास है लेकिन आपस में मिलाप नहीं है। आत्मा भी इसी शरीर के अंदर बैठी हुई है, परमात्मा भी शरीर के अंदर है। ना कभी आज तक आत्मा ने परमात्मा के दर्शन किए, ना कभी आत्मा सुहागन हुई। आप इसका कारण समझाते हैं, अंतर अलख न जाई लखिया विच पर्दा होमे पाई। परमात्मा जरूर हर एक के शरीर के अंदर है लेकिन हमारे और मालक के दरमियान होमे की रुकावट है, खुदी या अहंकार की रुकावट है। जब तक हम अपने रास्ते से होमे की रुकावट दूर नहीं करेंगे, बेशक वह परमात्मा हर एक के अंदर बैठा हुआ है, हम कभी उस परमात्मा को पा नहीं सकते। यह होमे क्या है जो हम सारा दिन सोचते रहते हैं, ये मेरी कौम है, ये मेरा मजहब है, मेरा मुल्क है, मेरी जायदाद है, यही होमे है। अच्छी तरह सोच कर देख लें, जो कुछ भी हम आँखों से देखते हैं यह सब कुछ ही उस परमात्मा का है। हम अपने आप को मालिक से अलग समझे हुए हैं, दुनिया के शक्लों और पदार्थों को अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यह शक्लें वह पदार्थ ना आज तक किसी के बने हैं ना किसी के बन सकते हैं, लेकिन जो अपना बनाने की कोशिश करते हैं यह कोशिश हर एक को अनेक मोह में फंसा देती है, इनके प्यार में फंसा देती है। इतना इन शक्लों और पदार्थों से हम मोह या प्यार पैदा कर लेते हैं कि रात को सपने भी हमें इनके ही आते हैं। मौत के समय इनकी शक्लें सिनेमा के पर्दे की तरह आँखों के आगे आ जाती हैं। जहाँ आशा तहाँ बासा, जिस ओर हमारा आखिरी समय ख्याल होता है हम दुनिया के जीव उसी रौ में बहना शुरू कर देते हैं। कौन सी चीज़ हमें बार बार देह के बंधनों में ले आई, दुनिया का मोह या प्यार ले आया? यह किसने पैदा किया? हमारे मन ने पैदा किया। इसलिए महात्मा कहते हैं, आत्मा और परमात्मा के दरमियान अगर कोई रुकावट है वह केवल अपने मन की रुकावट है। गुरु नानक साहब समझाते हैं, मन जीते जग जीत। अगर हम मन को जीत लेंगे तो हम सारी दुनिया के बनाने वाले को ही जीत लेंगे। अच्छी तरह सोच कर देख लें, यह मन ही है जिसके अधीन होकर भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, धर्म धर्म के गले काटने की योजनाएं सोच रहे हैं। आप रोज़ रेडियो सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, किस तरह हम एक दूसरे के खून के प्यासे हुए बैठे हैं। ये जो कुछ भी हमसे करवा रहा है हमारा अपना मन करवा रहा है। जब तक हम मन पर काबू नहीं पाते, मन पर हावी नहीं होते, मन को निर्मल और पवित्र नहीं करते, बेशक वह परमात्मा हमारे हर एक के अंदर है, हम अपने अंदर कभी उस परमात्मा को नहीं पा सकते। अब हम दुनिया के सब जीव अपनी अपनी अकल के अनुसार हजारों ही युक्तियों और तरीकों से मन को काबू करने की कोशिश करते हैं।
आप देखें जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पुण्य दान घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं। हम हठ कर्मों के जरिए जबरदस्ती अपने ख्याल को दुनिया से निकालने की कोशिश करते हैं। आगे जाकर हमारा ख्याल कहीं जुड़ता नहीं, दुनिया में ही भटकना शुरू कर देता है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि जबरदस्ती ख्याल को दुनिया से निकालना इसी तरह है जिस तरह आप एक सांप को टोकरी में बंद कर देते हैं। पिटारे के अंदर बंद करने से ना कभी सांप के अंदर से गुस्सा जाता है, ना जहर जाता है, ना रोष जाता है। जितनी देर वह पिटारी में बंद रहता है, हम उसके जहर से बचे हुए हैं। जब वह पिटारी से बाहर निकलेगा जरूर डसेगा, कभी अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता। अगर उसी सांप को पकड़कर हम उसकी जहर की थैली बाहर निकाल दें तो सांप कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे सारा दिन हम उसको गले में लटकाए फिरें। इसी प्रकार हम ग्रंथ पोथियां पढ़कर, वेद शास्त्र का विचार कर, पहाड़ों में छिपकर, सत्संग सुनकर सोच लेते हैं कि हमारा मन बड़ा निर्मल हो गया है, पवित्र हो गया है। लेकिन वह ही आशाएं, वह ही तृष्णाएं हर एक के अंदर दबी रहती हैं। जब दुनिया का सामना करना पड़ता है, हमारा मन फिर हमें उंगलियों पर नचाना शुरू कर देता है। बल्कि आम इंसानों से भी हमारी हालत बदतर और बुरी होनी शुरू हो जाती है। इसलिए गुरु नानक साहब कहते हैं कि हठ कर्मों के द्वारा कभी आप मन को वश में नहीं कर सकते। अगर मन को वश में करना है तो पहले आप अच्छी तरह इसकी आदत के बारे में सोचें। हम सोचते हैं कि मन लज्जत का आशिक है। जब तक हमारे मन को दुनिया के प्यार से ऊंची और निर्मल लज्जत नहीं मिलती, या दुनिया की लज्जतों को, दुनिया के प्यार को कभी छोड़ने को तैयार नहीं होता। वह किस चीज़ की लज्जत है, किस चीज़ का प्यार है जिसको पाकर ही मन दुनिया का मोह या प्यार छोड़ेगा। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नाम में त्रिग जीवास। हमारे मन को जब अमृत भरा हुआ नाम मिल जाएगा, इसके अंदर तृप्ति और शांति आ जाएगी। अगर देह में बैठकर हम उस अमृत रूपी नाम को हासिल नहीं कर सकते तो हमारा देह में आना ही धिक्कार है। देह में आने का मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता। गुरु नानक साहब पर कहते हैं, राम नाम मन बेदया अवर के करी विचार, कि हमारा मन विषय विकारों में फंसकर हिरण की तरह दिन रात भटकता और तड़पता रहता है। जब यह राम नाम के साथ जुड़ जाता है, यह बिंद जाता है, वश में आ जाता है, अपने ठिकाने पहुंच जाता है। राम नाम से महात्मा का मतलब कोई लफ्ज नहीं, बल्कि उस ताकत से है जिसने सारी दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, जो ताकत हमारे हर एक के अंदर रमी हुई है, रची हुई है। महात्मा कहते हैं कि अगर आप मन को वश में करना चाहते हो तो इसको शब्द की लज्जत दें, राम नाम की लज्जत दें। उस शब्द या नाम की लज्जत कैसे प्राप्त करनी है, जहां गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं, गुरु की मूरत मन में ध्यान, सिमरन के जरिए करनी है, गुरुमुखों के स्वरूप के ध्यान के जरिए करनी है। शब्द या नाम तो हर एक की आँखों के पीछे दिन रात धुनकारें दे रहा है। जब तक आँखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा नहीं करते, विचार करें हम उसकी लज्जत किस तरह हासिल कर सकते हैं, उससे प्यार किस तरह कर सकते हैं। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि सिमरन और ध्यान के जरिए ही अंदर उस नाम की खोज करनी है। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा और मन की जगह है, वह हर एक के आँखों के पीछे है। इसको कोई तिल कहता है, कोई शिव नेत्र कहता है, कोई दिव्य चक्षु कहता है, कोई घरदर कहता है, कोई मुक्ति का दरवाजा कहता है। हर एक का ख्याल आँखों के पीछे से उतरकर इन नौ द्वारों के जरिए सारी दुनिया के अंदर फैल जाता है।
आपको पता है कि यहाँ बैठे कभी बाल बच्चों की ओर ख्याल जाता है, कभी घर के कारोबार के बारे में सोचते हैं, कभी कौमों मजहबों और मुल्कों के झगड़ों के बारे में सोचते हैं, कभी मन किसी तरह टिककर नहीं बैठता, किसी ना किसी सोच और विचार में लगा रहता है। जय जो सारा दिन मन की सोच और विचार की आदत पड़ी हुई है, इसी को महात्मा ने सिमरन कहकर याद किया है। सिमरन करने की तो हर एक को कुदरती तौर पर आदत पैदा हो चुकी है। आप कितनी भी अंधेरी कोठरी के अंदर क्यों ना अपने आप को बंद कर लो, आप वहाँ नहीं होंगे, आपका ख्याल सारी दुनिया में फैला होगा। अब जिसका हम सिमरन करते हैं उसकी शक्ल भी आँखों के सामने आ जाएगी। अगर कोई बेटे बेटियों का सिमरन करता है, बेटे बेटियों की शक्लें आँखों के आगे आ जाती हैं। अगर कोई घर के कारोबार का सिमरन करता है, घर के कारोबार उसकी आँखों के आगे फिरने लगते हैं। इसको महात्मा ध्यान कहते हैं। जिसका हम सिमरन करते हैं उसी का हम ध्यान करना शुरू कर देते हैं। जिसका सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनसे मन का धीरे धीरे लगाव हो जाता है, मन का मोह या प्यार पैदा हो जाता है। हम उनसे इतना प्यार पैदा कर लेते हैं कि रात को सपने भी उन्हीं के ही आते हैं, उन्हीं की शक्लें सिनेमा के पर्दे की तरह हमारे सामने आ जाती हैं। मैंने अर्ज की थी कि जहां आशा तहां वासा, जिधर हमारा आखिरी समय ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी रौ में बहना शुरू कर देते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि यह सिमरन और ध्यान है जो हमें बार बार देह के बंदरों की ओर खींच कर ले आता है। हम किन चीज़ों का सिमरन और ध्यान करते हैं जिन्हें नाश और फना हो जाना है? जो कुछ भी हम आँखों से देखते हैं सबको नाश हो जाना है, फना हो जाना है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, हर बिन सब कुछ मैला संतो, के भाई परमात्मा के बिना सब मैल है, कूड़ है, सबको तुम्हारा साथ छोड़ जाना है। इसलिए गुरु साहब कहते हैं, क्योंकि हर एक को सिमरन और ध्यान की कुदरती तौर पर आदत पड़ी हुई है, मन की इस आदत से फ़ायदा उठाओ, लेकिन उस चीज़ का सिमरन करो, उस चीज़ का ध्यान करो जिसे कभी नाश नहीं होना, जिसे कभी फना नहीं होना। वह कौन है? केवल एक परमात्मा है, परमेश्वर है, जिसके हजारों अनेकों नाम हर एक ने प्यार में आकर रखे हुए हैं। गुरु अर्जन साहब समझाते हैं, निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल जो तिसे त्यायेदा, कि वह परमात्मा निश्चल है, वह परमात्मा कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो लोग उस परमात्मा को ध्याते हैं, उसका नाम का सिमरन करते हैं, वो भी निश्चल हो जाते हैं, उनका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि संतों के समझाने के अनुसार उस मालिक के नाम का सिमरन करके फिर अपने ध्यान को वापस ले जाकर आँखों के पीछे एकाग्र करो। जिस समय ख्याल आँखों के पीछे एकाग्र करते हैं वह वहाँ टिकता नहीं, क्योंकि मन को बार बार इंद्रियों के भोगों की ओर जाने की, बार बार नौ द्वारों के जरिए भटकने की आदत पड़ी हुई है। जब तक इसे किसी के स्वरूप का ध्यान नहीं देते, तब तक हमारे ख्याल को यहाँ आँखों के पीछे ठहरने की कभी आदत नहीं पड़ती। किसके स्वरूप का ध्यान देना है? जिसके भी स्वरूप का ध्यान करेंगे उसी के साथ हमारा प्यार पैदा हो जाना है, उसी की शक्ल हमें अपनानी पड़ेगी। आपको मालूम है कि मालिक के स्वरूप का तो किसी को पता नहीं, क्योंकि मालिक को तो हमने कभी देखा ही नहीं। जिसको हमने कभी आँखों से नहीं देखा, जो हमारे सामने ही नहीं है, आप सोचें उसका हम ध्यान किस तरह कर सकते हैं, उसका ख्याल किस तरह मन में बिठा सकते हैं, और कौन सी चीज़ के स्वरूप का ध्यान हम कर सकते हैं। इस बात पर विचार करने के लिए हम सारी दुनिया को आँखों के आगे रखकर देखते हैं,
कि इस दुनिया में कौन सी चीज़ हमारे ध्यान के काबिल हो सकती है। हम देखते हैं कि दुनिया की चीज़ें 5 तत्वों से बनी हैं, पृथ्वी है, पानी है, अग्नि है, हवा है, आकाश है। हर एक चीज़ के अंदर कोई ना कोई तत्व मौजूद है। इंसान के अंदर 5 तत्व हैं, इसलिए महात्मा हमें 5 तत्वों वाला पुतला भी कहते हैं, हमें सृष्टि का सरताज कहकर भी समझाते हैं। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद ना जानो मानस देहा। आप अगली तुक में खोल कर समझाएंगे कि जो मालक के भक्त और प्यारे हैं, वह मालक की भक्ति करके मालक का रूप हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भी भिन्न और भेद नहीं होता। उनका परमात्मा के साथ क्या संबंध है। ज्यों जल तरंग उठे बौ भाती, फिर सलल सलल समाएदा। समुंदर के अंदर 2-4 मिनट के लिए एक लहर उठती है, फिर वह लहर वापस समुंदर में ही समा जाती है। जो एक लहर का समुंदर के साथ संबंध है, वही परमात्मा के भक्तों और प्यारों का परमात्मा के साथ होता है। आप कोई चीज़ समुंदर की लहर को दे दें, वह उसे साथ लेकर समुंदर की तह में बैठ जाएगी। इसीलिए गुरु साहब कहते हैं, गुरु की मूरत मन में ध्यान, के गुरमुखों के स्वरूप को अपने ध्यान या तस्वर में रखना है। यही स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। के सिमरन के द्वारा हमें अपने ख्याल को आँखों के पीछे लाना है। ध्यान के जरिए अपने ख्याल को आँखों के पीछे ठहराना है, फिर हमें अपने आप की अंदर से समझ और सोझी आ जाती है कि मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ जो मालक की दरगाह से आ रही है, वह हर एक के अंदर धुनकारें दे रही है। वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं संतों महात्माओं के अंदर भी है। वहाँ ना तो किसी कौम का सवाल है, ना किसी मजहब का सवाल है, ना किसी मुल्क का सवाल है। आप हिंदू होकर अंदर जाएं, सिख ईसाई होकर अंदर जाएं, जो भाग्यशाली किस्मत वाला अपने ख्याल को आँखों के पीछे इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर उस शब्द या नाम की आवाज़ को सुनना शुरू कर देता है। दूसरी कड़ी में गुरु अर्जन देव जी क्या समझाते हैं, गुर के चरण हृदय ले धारूं, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। सिमरन करने के लिए, गुरमुखों के स्वरूप का ध्यान करने के लिए, उस धुन को अंदर पकड़ने के लिए हमें क्या करना है। गुरु साहब फरमाते हैं कि गुरमुखों के प्यार को अपने हृदय में बसाना है, यानी सतगुर भक्ति के जरिए ही हमारा सिमरन और ध्यान पूरा हो सकता है, हमारी नाम की कमाई पूरी हो सकती है। हमारा मन संगत और सोबत का बहुत जल्दी असर लेता है। आप देखें, जैसी जैसी संगत और सोबत हम करते हैं, वैसे वैसे विचार और ख्याल हमारे हर एक के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। आप 4 दिन चोरों और ठगों की संगत करके देखें, वैसे ही चोरी करने के, ठगी करने के विचार हमारे अंदर पैदा होने शुरू हो जाएंगे। शराब पीने वालों के पास बैठना उठना शुरू कर दें, हंसते खेलते वैसी आदतें हमें पड़नी शुरू हो जाएंगी। सिगरेट पीने वालों के पास बैठें, हमें भी सिगरेट पीने की आदत पैदा हो जाती है। इसलिए गुरु साहब प्यार से समझाते हैं कि अगर हम साधुओं संतों महात्माओं की संगति करते हैं, वह सिमरन और ध्यान के जरिए शब्द या नाम की कमाई में लगे हुए हैं, उनके जरिए हमारा ख्याल भी अपने आप शब्द या नाम की ओर उलट जाता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, तंत सूत किश निकसे नाही, साकत संग न कीजै। भाई, उलझे हुए सूत से कभी ताना नहीं बुना जा सकता। इसी तरह मनमुखों की संगत और सोबत में रहकर तेरा ख्याल कभी उस परमात्मा की भक्ति की ओर नहीं जा सकता। मुसलमान फकीर
मौलाना रूम कहते हैं हम नशीनी साहित्य बे औलिया बेहतर अज सद साला तैते बैरिया। मालक के औलिया भक्तों और प्यारों की एक घड़ी की संगत मन और बुद्धि की 100 साल की बंदगी से अच्छी है। अगर रास्ता पूर्व की ओर है हम दौड़ते पश्चिम की ओर हैं, जितना दौड़ेंगे मंजिले मकसूद से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए गुरु साहब कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि सिमरन और ध्यान के जरिए उस धुन के साथ अपना ख्याल जुड़े और आप उस शब्द या नाम की अपने अंदर लज्जत हासिल करें, उस अमृत को अपने अंदर पिएं, और आपको चाहिए कि आप गुरुमुखों की संगत करें, साधुओं संतों महात्माओं की सोबत करें, उनकी संगत और सोबत में आकर ही पता चलता है आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है, आत्मा और परमात्मा के दरमियान कौन सी रुकावटें हैं, वह रुकावटें हमारे रास्ते से किस तरह दूर हो सकती हैं। इसकी पूरी समझ केवल उसके सत्संग और उसकी सोबत से आ सकती है। इसलिए गुरु नानक साहब कहते हैं सत्संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम बखाणिए, कि भाई सत्संग केवल वह जगह है जहाँ एक शब्द का प्रचार किया जाता है, एक नाम का ही प्रचार किया जाता है। महात्मा के सत्संग में कौमों मजहबों और मुल्कों के झगड़े बयान नहीं किए जाते, उनके सत्संग के जरिए कोई हुकूमत कायम नहीं की जाती, जहाँ हुकूमत की बागडोर हाथ में नहीं ली जाती। वे तो सत्संग के जरिए केवल मालक की भक्ति का शौक पैदा करते हैं, मालक से मिलने का प्यार पैदा करते हैं। इसलिए गुरु साहब कहते हैं सिमरन और ध्यान के लिए, शब्द की लज्जत हासिल करने के लिए गुरुमुखों के प्यार को अपने मन में बसाना है। जितना हमारा उनसे प्यार होगा उतना हमारा उन पर विश्वास और भरोसा होगा, उतना ही उनके कहने के अनुसार हमारा मन अपने आप मालक की भक्ति की ओर जाएगा, शब्द या नाम की कमाई की ओर जाएगा। गुरमुख घोल कर हमारे अंदर कुछ नहीं डालते, वह दौलतें हमारे अंदर हमारे लिए ही मालिक ने रखी हुई हैं, उन्हें तो इशारा करना है और तरीका बताना है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं जिसका ग्रह तिन दिया ताला कुंजी गुर सुपाई, अनेक उपाव करे नहीं पावे बिन सतगुर सरनाई। जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया है उसने नाम रूपी दौलत हमारे अंदर हमारे लिए रखकर उसका भेद गुरुमुखों के हवाले किया हुआ है। हम मन और बुद्धि के साथ लाखों करोड़ों तरह के उपाय और तरीके क्यों ना सोचते रहें, हम कभी अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सकते। जब तक हम गुरुमुख की शरण हासिल नहीं करते, शरण से मतलब है जब तक मन की मत छोड़कर हम गुरुमुखों के बताए हुए उपदेश पर नहीं चलते। गुरु रामदास जी कहते हैं कासट में जू है बिसंतर मथे संजम काढ़ कडीजे, राम नाम है जोत सवाई तत् गुरमत काढ़ लीजे। के भाई जिस तरह लकड़ी के अंदर अग्नि होती है उसको ना तो कोई देख सकता है ना उस अग्नि से कोई फायदा उठा सकता है, अगर जुक्ति के जरिए लकड़ी पर लकड़ी रगड़नी शुरू कर दें तो लकड़ी में से अग्नि पैदा हो जाएगी, हम उसको देख भी सकेंगे और फायदा भी उठा सकेंगे। इसी तरह वह राम नाम की ज्योत हर एक के आँखों के पीछे जल रही है, वह राम नाम की धुन हर एक के आँखों के पीछे धुनकारें दे रही है, लेकिन तत् गुरमत काढ़ लीजिए। जब तक आप गुरमुखों की मत पर नहीं चलेंगे बेशक वह धुन अंदर धुनकारें दे रही है, बेशक वह राम नाम की ज्योत अंदर जल रही है, हम ना उस धुन को अंदर सुन सकते हैं ना उस ज्योत के अंदर दर्शन कर सकते हैं। इसलिए गुरु साहब हमें प्यार के साथ समझाते हैं
कि हमें उन गुरुमुखों की संगत और सोबत करनी है। आप फरमाते हैं गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार, के जो गुरुमुख हैं पार ब्रह्मा का रूप हैं, यानी वह मन और माया के दायरे से पार से आते हैं, उनमें और परमात्मा में कोई भिन्न और भेद नहीं होता। हम उनकी हमेशा इज्जत करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, हमें उनसे प्रीत करनी है, उन पर प्रतीत करनी है, भरोसा करना है। स्वामी जी महाराज कहते हैं प्रीत प्रतीत गुरु की करना, नाम रसायन घट में जरना। गुरुमुखों से प्यार करना है, उन पर भरोसा और विश्वास करना है, वह जो नाम रूपी रसायन है उसको अपनी हड्डियों में रचाना है, उसको अपने अंदर हजम करना है। इसी प्रकार गुरु साहब प्यार के साथ समझाते हैं कि नाम की कमाई करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए हमें गुरुमुखों की संगत करनी चाहिए, हमें साधु संतों महात्माओं की सोबत करनी चाहिए। मत को भर्म भूले संसार, गुर बिन कोई ना उतरस पार। अब गुरु अर्जन साहब बड़ी दलेरी के साथ समझाते हैं कि यह ख्याल ही हमेशा के लिए मन से निकाल दो कि अपनी अकल अपनी बुद्धि से या कर्म कांड के जरिए या घर बार छोड़ने से, शरीर पर भभूत लगाने से, सरोवरों में स्नान करने से हम अपने आप ही वापस जाकर परमात्मा से मिल जाएंगे। गुरु साहब कहते हैं कि हम सब दुनिया के जीव इन वहमों भ्रमों और संकल्पों में फंसकर यहाँ ही दिन रात भूले फिरते हैं। हम कौन से भ्रमों में फंसे हुए हैं, कभी सोचते हैं कि कागजों की भक्ति करें, इनको पढ़ें, इनमें से मुक्ति हो जाएगी। कभी सोचते हैं कि महात्माओं ने तीर्थ सरोवरों आदि बनाए हैं, वहाँ जाकर स्नान करें, उससे पापों का मैल दूर हो जाएगा। कभी सोचते हैं बहुत रुपया है, दान पुण्य कर लें, इससे मुक्ति हो जाएगी। कभी घबराकर बाल बच्चों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छिप जाते हैं, शरीर पर भभूत लगा लेते हैं, कान चरवा लेते हैं, जटाएं रख लेते हैं, गुफाओं में छिप कर हड्डियों का ढेर बन जाते हैं और मन में सोच लेते हैं कि शायद इससे मुक्ति हो जाएगी। लेकिन गुरु साहब कहते हैं कि हम सब दुनिया के जीव इन शंकाओं भ्रमों और संकल्पों में फंसकर यहीं ही भूले फिरते हैं। क्या भूले फिरते हैं? यह जो कुछ भी दुनिया है, यह भ्रम है, 84 का जेल खाना है। हम इसको असल समझकर दिन रात इसको अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इस भ्रम में फंसकर सभी भूले फिर रहे हैं कि देह के बंधनों में फंसे हुए हैं, इस रचना का हिस्सा बन बैठे हैं। गुरु साहब प्यार के साथ समझाते हैं कि वहमों भ्रमों से ख्याल तब निकलेगा जब हम गुरुमुखों की संगत करते हैं, जब हम साधु संतों महात्माओं की सोबत करते हैं। वह समझाते हैं कि अगर पानी में स्नान करने से मुक्ति होती तो यह मछलियाँ मेंढक मगरमच्छ आदि सब तर जाने चाहिए थे। अगर ग्रंथों पोथियों वेदों शास्त्रों के पढ़ने से मुक्ति होती तो डॉक्टर की किताबों को पढ़ने से भी सबकी बीमारियां दूर हो जानी चाहिए। खाना बनाने की किताबों पढ़ने से सबकी भूख मिट जानी चाहिए। रेलवे के टाइम टेबल देखने से ही सबका सफ़र पूरा हो जाना चाहिए। ग्रंथों पोथियों में तो महात्मा मालक की भक्ति करने की महिमा लिखते हैं, भक्ति करने का साधन और तरीका लिखते हैं, उनको पढ़ने में मुक्ति नहीं, जो कुछ पढ़ते हैं उस पर अमल करने में मुक्ति है। आप कहते हैं कि अगर तुम सारा दिन पढ़ते रहो, सारा महीना सारा साल सारी ज़िंदगी पढ़ते रहो, सांस सांस पढ़ते रहो, फिर भी एक ही चीज़ तुम्हारे लेखे में लिखी जाती है जो तुम्हारी सुरत अंदर शब्द को पकड़ती है। अगर किसी की सुरत अंदर शब्द को नहीं पकड़ती, वह तो बेकार राग शानने में लगा हुआ है, पानी में मधानी डाले बैठा हुआ है, अपने वक्त को बर्बाद करने में लगा हुआ है।
गुरु नानक साहब कहते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आरजा, पढ़िए जेते मास। फिर अमरदास जी कहते हैं, पढ़ पंडित अवरा समझाए, घर जलते की खबर ना पाए। पंडित जहाँ भाई लोग दुनिया को जरूर पढ़ पढ़ कर समझाते हैं, लेकिन जो अपने घर में अंदर आग लगी हुई है उसको कभी बुझाने का फिक्र नहीं करते। अपना घर लुटा जा रहा है, लोगों के घरों की चौकीदारी करते हैं, अपना बोझ किसी से उठाया नहीं जाता, प्राय गधे बने हुए हैं, अपने आप को भी धोखा देते हैं, दुनिया को भी धोखा देते हैं। इसलिए आप कहते हैं, बिन सतगुर सेवे नाम ना पाइए, पढ़ थक के शांत ना होए। जब तक गुरमुखों के जरिए शब्द की कमाई नहीं करेंगे, नाम की कमाई नहीं करेंगे, आप पढ़ पढ़ कर थक भी जाएं, आपके अंदर कभी शांति नहीं आएगी। इसी तरह तीर्थों पर स्नान करने के बारे में गुरु साहब कहते हैं, इस शरीर सर्वर है संतो, स्नान करे लिव लाई, नाम स्नान करे से जन निर्मल शब्द मैल गवाई। भाई तुझे इस शरीर से बड़ा और कोई सरोवर नहीं मिलना, जिसके अंदर स्नान करने से ही तेरा परमात्मा से मिलाप हो सकता है। तुझे इस शरीर के अंदर उस सरोवर के अंदर कौन सा स्नान करना है, केवल शब्द का स्नान करना है, नाम का स्नान करना है। आप फरमाते हैं, पूजा करे सब लोक संतो, मनमुख थाए ना पाई। भक्ति तो हम सब दुनिया के जीव अपनी अपनी अकल के अनुसार परमात्मा की कर रहे हैं, लेकिन हम मन के पीछे लगकर मालक की भक्ति करते हैं। जो भक्ति कभी किसी को अपने ठिकाने नहीं पहुँचाती, क्योंकि मन बाहर मुखी कर देता है, कर्म कांड में फंसा देता है। जब शब्द की कमाई करके तुम मन को निर्मल कर लोगे, पवित्र कर लोगे, यही मालक की असली भक्ति है, जिसे हर एक को उसके ठिकाने पर पहुँचाना है। जो भक्ति मालक को मंजूर है, वह शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। इसलिए गुरु साहब बड़ी दलेरी से कहते हैं, मत को भर्म भूले संसार। हम दुनिया के जीव बेकार ही वहमों भर्मों में फंसकर भूले फिरते हैं, गुरबिन कोई ना उतरस पार। के जब तक गुरमुख की शरण हासिल नहीं करते, उनके बताए हुए उपदेश पर चलकर इन वहमों भ्रमों और संकल्पों से ख्याल नहीं निकालते, अंदर ख्याल शब्द या नाम के साथ नहीं जोड़ते, हम कभी भवसागर से पार नहीं हो सकते। फिर क्या समझाते हैं, भूले को गुर मार्ग पाया, अवर त्याग हर भक्ति लाया। अब समझाते हैं कि गुरुमुखों की जरूरत क्यों है, गुरुमुखों का लाभ क्या है। आप कहते हैं कि हम सब मालिक से बिछड़कर यहाँ दुनिया में भूले फिरते हैं, मालिक का किसी को पता नहीं, मालिक की भक्ति की ओर किसी का ख्याल ही नहीं। हम इन बेटे बेटियों विषय विकारों शराबों ख्वाबों की लज्जतों कौमों मजहबों व मुल्कों के झगड़ों से फुर्सत ही नहीं मिलती। हम मन में सोच लेते हैं, ये जग मिठा अगला किन डिठा। हम इतना इन इंद्रियों के भोगों में उलझे हुए हैं कि और तो और अपनी मौत को भी भूल चुके हैं। रोज देख रहे हैं हमारे साथी हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं, बल्कि एक एक को खुद ले जाकर शमशान भूमि में छोड़ आते हैं। हम आँखों से देखते हैं कि जिस दुनिया को यह पकड़कर बैठा था, जिन शक्लों और पदार्थों के लिए वह दिन रात भटकता फिरता था, उनमें से किसी चीज़ ने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन हम सोचते हैं कि उन शक्लों और पदार्थों ने शायद उसका साथ नहीं दिया, हम सब कुछ ही इकट्ठा करके अपने साथ ले जाएंगे। इसलिए गुरु साहब हमें गफलत की नींद से जगाते हैं कि भाई तू उस समय और वक्त की तो अच्छी तरह आँखों के आगे रख कर देख, कौन सी चीज़ तेरी मदद करेगी। ये रिश्तेदार यार दोस्त भाई बहन, इन बेचारों को तो ये भी नहीं पता चलता कि मौत के फरिश्ते आते किधर से हैं और कान पकड़कर हमें ले किधर जाते हैं। इनके साथ
लेन देन का हिसाब है, गर्जों का प्यार है। एक रंगमंच पर जाकर सारे एक्टर अपना अपना पार्ट अदा करते हैं, लेकिन पार्ट अदा करने के बाद जब रंगमंच से उतरते हैं, किसी का किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं होता। इसी प्रकार दुनिया भी एक बहुत बड़ा रंगमंच है, जहाँ कोई पति बनकर आ गया, कोई स्त्री बनकर आ गई, कोई भाई बहन रिश्तेदार यार दोस्त आदि बनकर आ गए। जब किसी का किसी के साथ हिसाब किताब ख़त्म होता है, सारे ही अपने अपने रास्तों पर चल देते हैं। गुरु साहब कहते हैं, भूले को गुर मार्ग पाया। इन शक्लों और पदार्थों के मोह या प्यार में फंसकर संसार की असलियत और दुनिया में आने के असली मकसद को बिल्कुल ही भूले बैठे हैं। हम कभी मालिक के बारे नहीं सोचते, कभी मालिक की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जब हम गुरुमुखों की संगत और सोबत में जाते हैं, वह हमें जन्म जमांतर से सोए हुए को जगा देते हैं। फिर हमें होश आता है कि किन चीज़ों और शक्लों से उलझकर अपने कीमती वक्त को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। परमात्मा ने हमें इंसान का जामा बख्शा, किस लिए बख्शा, किस तरह हम इसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं। गुरुमुखों की संगत में जाकर पता लगता है कि जय जो आत्मा जय परमात्मा की अंश है, हम उस सतनाम समुंदर के कतरे हैं। उस मालिक से बिछड़कर इस माया के जाल में फंसे हुए हैं, जहां आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया। मन आगे इंद्रियों के भोगों विषयों विकारों का आशिक बना बैठा हुआ है। जो जो कर्म हम मन के अधीन होकर करते हैं, उनका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी भोगना पड़ता है। गुरुमुखों के सत्संग में जाकर इस दुनिया की समझ आती है कि यह तो कर्म भूमि है, कर्मा संदड़ा खेत है। जो जो बीज जहाँ पर बोने में लगे हुए हैं, पीछे बो आए हैं, उसी फसल को काटने में लगे हुए हैं। अगर अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा नतीजा भोगते हैं, मंदे कर्म करते हैं, मंदा नतीजा भोगते हैं। फिर समझ आती है कि इन कर्मों के जरिए जहाँ भी जाकर जन्म लेना पड़ेगा, उसी शरीर के अंदर बैठकर दुख और मुसीबतें सहनी पड़ेंगी। किसी भी शरीर में किसी को सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु अमरदास जी कहते हैं, फिर सच्चे ते सदा सुहागण, के अच्छी तरह मन में बिठा लो कि जय जो आत्मा है या स्त्री है, परमात्मा इसका पति है। जब तक रू रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति के चरणों में नहीं पहुँचेगी, यह कभी सुहागन नहीं हो सकती। इसका कभी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। जन्म मरण की त्रास मिटाई, गुरपुरे की बेअंत बढ़ाई। अब गुरु साहब कहते हैं कि हम सबको जन्म मरण का डर लगा हुआ है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि पता नहीं किस समय मौत आ जाएगी और हमें कितने दुख और मुसीबतें उठानी पड़ेंगी। लोगों को मरते देखते हैं तो रूह कांपती है। उनका दुख देखकर जो डर पैदा होता है, सोचा ही नहीं जा सकता। हम कितने भी बहादुर बनने की कोशिश करें, यह डर हमें अंदर ही अंदर खाए जाता है। आप देख लें, हर मौत के बाद धर्मराज के जमदूद आते हैं, कान पकड़ कर ले जाते हैं। जहाँ वह मुनासिब समझता है, हमारी इच्छाओं तृष्णाओं के अनुसार वहीं जाकर हमें जन्म लेना पड़ता है। एक देह के बंधनों से तो किसी तरह छुटकारा नहीं होता, दूसरा देह का कलभूत पहले ही तैयार खड़ा होता है। उसमें हम बाद में आते हैं, मौत आँखों के आगे आकर पहले खड़ी हो जाती है। 10 नंबरियों की तरह हर एक को हथकड़ी लगी ही रहती है। गुरु साहब बताते हैं कि उन हथकड़ियों से हमारा छुटकारा किस तरह होगा, मौत का डर किस तरह अंदर से निकलेगा। आप फरमाते हैं, गुरपुरे की बेअंत बढ़ाई। जब पूरे गुरमुखों की संगत करते हैं, उनके समझाने के अनुसार अपने ख्याल को अंदर शब्द या नाम से जोड़ देते हैं,
हमारे अंदर से मौत का डर तो दूर रहा, हमारे अंदर खुशी और उत्साह पैदा हो जाता है कि कब इस देह को छोड़कर वापस जाकर परमात्मा के साथ मिलें। देखें, अगर कोई छोटा सा बच्चा परदेश में चला जाता है, वही उसका पालन पोषण होता है, वही वह परदेशियों की तरह मारा मारा फिरता है और मुसीबतों में घिरा रहता है। अगर कोई उसके अपने मुल्क का बाशिंदा, उसके अपने देश का निवासी मिल जाए तो उसको अपने घर का पता बता दे, उसके पिता का पता बता दे, उसको अपने देश में ले जाकर माता पिता के पास पहुंचा दे, फिर बच्चा वह कभी उस बुजुर्ग का एहसास नहीं भूल पाएगा। उसी तरह हम सब अपने असल से भूलकर, अपने असली घर, असली बाप को भूलकर इस दुनिया को असल समझ बैठे हैं, इसी से मोह जहाँ प्यार किए बैठे हैं। हम इसी को दिन रात अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। गुरमुख आकर हमें समझाते हैं कि तुम कौन से चक्कर में फंसे हुए हो, तुम्हारा असल अपना एक परमात्मा है और तुम्हारा असली घर सचखंड है। तुम उस सतनाम समुंदर के कतरे हो, अपने असल के बारे में सोचो, अपने घर जाने की कोशिश करो। जिसका अपने असली घर जाने की ओर ख्याल हो जाता है, वह मौत से नहीं डरता। हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी फरमाया करते थे कि 82 जीवों को जिनकी लिव अंदर नाम या शब्द से लगी हुई है, विवाह से भी अधिक मौत की खुशी और प्यार होता है। जहाँ गुरु साहब कहते हैं कि जब भी तुम्हारे अंदर से मौत का डर निकलेगा, जब भी घर जाने का शौक और प्यार पैदा होगा, गुरमुखों की संगत, गुरमुखों की सोबत के जरिए ही हो सकेगा। गुर प्रसाद उर्द कमल विकास, अंधकार में भाया प्रगास। अब बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं कि देखो, कितनी जबरदस्त बारिश क्यों ना हो, अगर हम बर्तन को ही उलट कर रख दें, उस बर्तन के अंदर बारिश की एक बूंद नहीं जा सकती। उसी बर्तन को हम सीधा कर दें, वह पहली बारिश नहीं, दूसरी तीसरी बारिश में भर जाता है। इसी तरह जो हमारा हृदय है, उसका कमल बिल्कुल उल्टा हुआ है। हमारा मन आँखों के पीछे से उतरकर 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया की ओर रुख किए बैठा है। कभी बेटे बेटियों के प्यार में फंसता है, कभी कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़े नहीं छूटते, कभी धन दौलत का प्यार नहीं छूटता। गुरु साहब कहते हैं, जय जो बर्तन उल्टा हुआ है, गुरमुखों के पास जाकर सीधा हो जाएगा। इस समय हमारी यह हालत है, हमारी आँखों के पीछे शब्द या नाम का अमृत दिन रात 24 घंटे बरस रहा है, लेकिन उसको माया पिए जा रही है, क्योंकि हमारे मन का रुख बाहर की ओर है, हमारा मन इंद्रियों के भोगों की ओर फैला हुआ है। लेकिन जब गुरमुखों की संगत करते हैं, उनके कहने के मुताबिक सिमरन और ध्यान के जरिए मन को आँखों के पीछे लगाकर खड़ा करते हैं, तो हमारा हृदय कमल सीधा हो जाता है, फिर हमारा मन अंदर आँखों के पीछे टिक जाता है और अंदर ही शब्द की लज्जत में लग जाता है, नाम रूपी अमृत की लज्जत में लग जाता है। उस अमृत को पीकर हम अमर हो जाते हैं, हमारा सदा के लिए जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। जिन किया सो गुर ते जानिया, गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया। अब और बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं, जिन किया सो गुर ते जानिया। जो कुछ भी आप दुनिया के अंदर आँखों से देख रहे हैं, यह सारी दुनिया की रचना उस परमात्मा ने खुद की है। गुरु साहब कहते हैं, जिसने सारी दुनिया की रचना पैदा की है, जो इस रचना का कर्ता है, उसको जब भी कोई समझ सकता है, गुरमुखों के जरिए ही समझ सकता है। गुरमुखों के जरिए ही हमारा मन रचना करने वाले की भक्ति में लग सकता है। जिस परमात्मा ने दुनिया की रचना की है,
हम उसको तो बिल्कुल भूले फिरते हैं, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। रचना के मोह में फंसे हुए हैं, रचना के प्यार में फंसे हुए हैं। लेकिन जब गुरुमुखों की संगत और सोबत करते हैं, हमारा रचना से ख्याल निकल जाएगा, रचना करने वाले की भक्ति और प्यार में हमारा मन लग जाएगा। हम दाता को कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करते, उसकी दातों के पीछे दिन रात भटकते और तड़पते फिरते हैं। अगर हम दाता को घर ले जाएं, तो दातों की क्या कमी रह सकती है। हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी फरमाया करते थे कि अगर बड़ी को घर ले आएंगे तो कुर्सियों मेज़ों आदि की हमें क्या कमी हो सकती है। अगर दाता घर आ जाएगा तो भंडार की क्या कमी हो सकती है, दातों की क्या कमी हो सकती है। जब दाता घर आ जाता है तो दातें पीछे पीछे दौड़ती फिरती हैं। गुरु साहब कहते हैं, जब भी हमारे अंदर उस रचना करने वाले की भक्ति, रचना करने वाले का प्यार पैदा होगा, केवल गुरुमुखों की कृपा के जरिए पैदा होगा, उसकी कृपा से हमारा मन मान जाएगा, अपने ठिकाने पहुंच जाएगा। गुर कर्ता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है भी होग। अब फिर खोल कर समझाते हैं कि रचना करने वाले में और गुरुमुखों में कोई भिन्न और भेद नहीं होता। वह उस समुंदर की लहरें हैं, वह उसी सतनाम समुंदर में से आते हैं और नाम या शब्द का प्रचार करके उसी परमात्मा रूपी समुंदर के अंदर समा जाते हैं। अगर हम अपने आप को लहर के सुपुर्द कर दें तो हम अपने आप को समुंदर के सुपुर्द कर देते हैं। इस तरह हम भी लहर के जरिए समुंदर का ही रूप हो लेते हैं। इसलिए आप फरमाते हैं कि वह गुरमुख परमेश्वर हैं, उनके अंदर और परमेश्वर के अंदर कोई भिन्न और भेद नहीं, और गुरमुख सदा परमेश्वर है। यह नहीं कि पहले वह परमेश्वर था, अब वह परमेश्वर नहीं। गुर परमेश्वर है भी होग। गुरु साहब कहते हैं कि मालिक ने कुदरती कानून बनाया हुआ है कि जब तक वह खुद इंसान के जामे में बैठकर हमें इस माया के जाल से नहीं निकालता, हम कभी माया के जाल से छुटकारा हासिल करके रचना से बचकर वापस जाकर परमात्मा से नहीं मिल सकते। वह परमात्मा हमेशा इंसान की देह में आकर हमें अपना भेद देता है और खुद आकर हमारे अंदर अपने से मिलने का शौक और प्यार पैदा करता है। बुल्ले शाह कहते हैं, मौला आदमी बन आया। वह परमात्मा मेरे पास आदमी का रूप धार के आया है। इसी प्रकार स्वामी जी महाराज कहते हैं, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुर होए जीव चिताए, जिन जिन माना बचन समझ के तिनको संग लगाए। के वह कुल मालक खुद इंसान के जामे में आया है और गुरु बनकर जीवों को चेता रहा है कि हमारे अंदर अपने मिलने का शौक और प्यार पैदा करके हमें जहां से साथ ले जाकर हमेशा के लिए उस परमात्मा के अंदर समा जाता है। गुरु साहब कहते हैं कि किसी वहम और भ्रम में भूले ना फिरो। हम गुरुमुखों के पास इसलिए जाते हैं, हम गुरुमुखों की संगत और सोबत इसलिए करते हैं कि परमात्मा का रूप होते हैं और उनके जरिए हम भी उस परमात्मा के अंदर समा जाते हैं, उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं। अब अपनी आखिरी कड़ी में क्या फरमा रहे हैं श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। कहो नानक प्रभ एह जनाई, बिन गुर मुक्त न पाइए भाई। अब सब कुछ बयान करके गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं कि हमें उस परमात्मा ने यही समझाया है कि जब भी मुक्ति हो सकती है, गुरुमुखों के जरिए हो सकती है। मन और बुद्धि से हम कितनी भी कोशिश करते रहें, कितने ही ग्रंथ पोथियां पढ़ते रहें, वेदों शास्त्रों का विचार कर लें, दान पुण्य में फंसे रहें, सरोवरों में स्नान कर लें या और कर्म कर लें, हम कभी अपनी भक्ति में कामयाब नहीं हो सकते। गुरु अमरदास जी कहते हैं,
पूजा करे पर बिद नहीं जाने, दूजे भाई मलुलाई। भक्ति जरूर हम दुनिया के जीव अपनी अकल से करते हैं, लेकिन हमें असली भक्ति का तरीका पता नहीं, इसलिए गलत रास्ते पर चलकर हम और ज़्यादा पापों के बोझ को इकट्ठा करके बैठ जाते हैं। आप कहते हैं, गुरमुख होवे सो पूजा जाने, भाणा मन वसाई, के भाई केवल गुरमुखों को मालिक की भक्ति करने का तरीका पता है। गुरु साहब कहते हैं, जब तक गुरमुखों की संगत और सोबत नहीं करते, अभी हमने मालिक की भक्ति करनी शुरू ही नहीं की। हम तो यह वहमों भ्रमों और संकल्पों में फंसे हुए हैं, अपने मन के ख्याली पुलाव बनाने में लगे हुए हैं। गुरु अर्जन साहब ने इस छोटे से शब्द के अंदर हमें अच्छी तरह खोलकर समझाया है कि परमात्मा किस जगह है, किस तरह मालिक की पूजा करनी है, किस तरह सिमरन और ध्यान के जरिए ख्याल को आँखों के पीछे लाना है और अंदर शब्द के साथ जोड़ना है। जिस शब्द या नाम के साथ ख्याल जोड़ना है, वह किसी को कहीं बाहर से नहीं मिलेगा। वह शब्द या नाम हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन उसके भेद का गुरमुखों से पता चलता है। आपने समझाया है कि शब्द या नाम की कमाई करने के लिए गुरमुखों की संगत क्यों करनी है, गुरमुखों की सोबत क्यों करनी है। इसलिए हमें भी चाहिए कि आपके समझाने के अनुसार अपने ख्याल को गुरमुखों के जरिए उस शब्द के साथ जोड़ें, उस नाम के साथ जोड़ें। आज का जो सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। गुरु अर्जन देव जी ने बड़ी अच्छी तरह खोल खोल कर समझाया है कि भक्ति क्यों करनी है और कैसे करनी है। सो हमें भी चाहिए कि गुरु की मौज में रहें, उसका सिमरन करें, ताकि परमात्मा से वापस विसाल कर सकें। राधा स्वामी जी।